नमस्कार, मैं हूं मन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास रिपोर्ट। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बेटा बचाओ मुहिम के बारे में बताएंगे। दरअसल सिरसा में नशे के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको नियंत्रित करने के लिए और नशा मुक्त समाज बनाने के लिए मानव अधिकार परिषद हरियाणा ने मुहिम चलाई बेटा बचाओ। इस मुहिम को 2 साल पूरे हो चुके हैं और धीरे धीरे इस मुहिम से लोग जुड़े और इसके सार्थक परिणाम सामने आए। चूँकि अब इस मुहिम को 2 साल हो चुके हैं और इस मुहिम को बढ़ावा देते हुए आज महिला थाना सिरसा में मुहिम से संबंधित टी शर्ट्स को लॉन्च किया गया। अब इस टी शर्ट को संस्था के तमाम पदाधिकारी हर कार्यक्रम में प्रयोग करेंगे ताकि लोगों में नशे के खिलाफ संदेश जाए और लोगों में ये संदेश जाए कि हमें नशे से अपने बेटे को भी बचाना है। जी, इसमें ऐसे मानव अधिकार परिषद हरियाणा से जो चला रहे हैं हमारे तरुण भाटी जी, ये लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं ये बेटा बचाओ मुहिम से जुड़े हुए हैं और इन्होंने इसको बड़े मतलब अपने अच्छे मकसद को लेकर इनको 2 साल पहले शुरू की और काफ़ी कामयाबी के साथ इसको एक NGO के रूप दिया और चला रहे हैं, जिसमें इनका मेन मकसद है भी जैसे बेटी बचाओ तो था ही भी, अब आप नशे से अपने बेटों को भी बचाओ, तो इस मकसद को लेकर इन्होंने बेटा बचाओ मुहिम स्टार्ट की। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था जो काफ़ी कामयाबी की तरफ जा रहा है। तो अपने बच्चों को नशों से, ये भी स्कूलों में जाते हैं, प्रोग्राम भी गेम्स में से जुड़ो आप नशा से जो एडिक्ट है उनका इलाज भी करवाते हैं, कई तरह से मोटिवेट करते हैं, गेम एक्टिविटियाँ करवाते हैं, जागरूकता के प्रोग्राम, शपथ करवाना, संकल्प पत्र बांटना, ऐसे काफ़ी हम इनको बधाई देना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नशे के खिलाफ क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? नशे के खिलाफ जैसे हमारे DG साहब, IG साहब और हमारे SP साहब, काफ़ी लंबे टाइम से आपने सुना ही है जैसे नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन बहुत अब तेज़ी से कार्य कर रहा है, तो सिरसा ज़िले से नशा पूरी तरह से दूर भगाने के लिए हमारे SP साहब ने स्टार्टिंग से यहाँ जब आए तब से ही ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। अब तो जैसे पूरे प्रदेश भर में अपने 12 से 26 जून तक का जो एक पीरियड चलाया जिसमें नशे के ऊपर डेली हमारे सिरसा ज़िले से हर SHO चौकी इंचार्ज दिन में 7-8 प्रोग्राम डेली करवा रहे हैं, जिसमें वो मतलब वर्कशॉप कर रहे हैं, नशे के ऊपर रैलियां कर रहे हैं, कोई साइकिल रैली, कोई जागरूकता के प्रोग्राम, और एक जो एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो ई प्लेज है उसको भी डाउनलोड करवाया जा रहा है। तो और दूसरी तरफ से नशा पकड़ना उसके ऊपर भी पुलिस कार्य कर रही है, उनको सीज करना काफ़ी, तो ये सभी चीज़ों को लेके ये 12 से 26 तक का हमारा 26 को इसको कंक्लूड भी किया जाएगा। और कल एक मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगी, कल 26 तारीख को सुबह 5:30 बजे टाउन पार्क से एक रैली निकाल रहा है सिरसा पुलिस प्रशासन, जो टाउन पार्क से होते हुए भगत सिंह चौक पर जाएगा और वहाँ पर फिर एक नशे के ऊपर लघु नाटिका भी प्रस्तुत की जाएगी। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और उसमें मोटिवेट भी करें हमें भी और अपने आप को, अपने बच्चों को भी, इस ये जो नशा है इसको जड़ से ख़त्म करें ताकि हम हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको नशा मुक्त वातावरण दे सकें। बेटा बचाओ अभियान जो है ये पिछले 2 साल से चलाया हुआ सिरसा में और इसमें जो नशे में जो एडिक्ट हैं जो उनका इलाज भी करवाया जा रहा है और नशे से दूर रहने के लिए उनके लिए जो है संकल्प पत्र देकर, कभी उनको फ्रूट जूस देकर या फूल देकर जो है उनसे मतलब एक कसम चकवाई जाती है कि वो लोग नशे से दूर रहें। और बेटा बचाओ अभियान जो चलाया हुआ है कहीं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है सिरसा शहर के अंदर। इसमें इंस्पेक्टर मंजू सिंह जी ने हमारा बड़ा साथ दिया इस प्रोग्राम के अंदर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ भी सेमिनार होते हैं हमारे साथ मिलते हैं भी करवाते हैं। बहुत जरूरी था जी ये चलाना। सिरसा शहर के अंदर जो नशा है जो ये मतलब बहुत ज़्यादा फैल चुका है, एक जैसे चिट्टे का नशा जो है, शराब है और भी नशे हैं, मेडिकल नशे हैं, ये जो हमारा जो शहर है ना ये मतलब दोनों साइडों से बॉर्डर पे लगा हुआ शहर है ये, तो यहाँ पर जो है हालात बड़े ख़राब थे और ज़रूरी भी था बेटा बचाओ अभियान चलाना। तो नशे से ही मतलब खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए एक ये बेटा बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। तो टी शर्ट लॉन्च की आगे क्या रहेगा, किस तरह से टी शर्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा? आगे जो प्रोग्राम और सेमिनार या रैली वगैरह जहाँ भी रहेगी वहाँ पर हम चाहते हैं कि अभी इस टी शर्ट को डालकर आगे के कार्यक्रम करें
ताकि युवाओं में और पेरेंट्स में जो एक अच्छा मैसेज जा सके। मेरा नाम रंजीत सिंह ठक्कर है, समस्याओं का सामाजिक कार्य में योगदान दे रहा हूँ। मानव अधिकार परिषद हरियाणा से भी जुड़ा हूँ और जिसमें आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी युवाओं को कि सबसे पहले नशा छोड़कर पढ़ाई का नशा करें, खेलों का नशा करें और किसी टैलेंट का नशा करें अपने और जिसके कारण अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हमेशा नशों से दूर रहें। दूसरा, औरों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करें और यदि कोई व्यक्ति आपके आसपास या घर में कोई नशा करता है उसका नशा छुड़वाने में भी सहयोग करें। और चौथा, जैसे यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति नशा बेचता है तो उसकी सूचना जो जो नंबर दिए गए हैं, जो गुप्त नंबर जिसमें ऐसे पुलिस के प्रशासन के नंबर दिए गए जैसे 90508 98508 88140 22600 ऐसे नंबर दिए गए, उस नंबर पर जो व्यक्ति नशा करता है उसकी सूचना दें। उस सूचना जो सूचना व्यक्ति देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, ओपन नहीं किया जाएगा। तो ये गुप्त नंबर है जिसमें किसी व्यक्ति की गुप्त जानकारी रखी जाएगी। तो सभी से निवेदन है कि सिरसा को नशा मुक्त बनाने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, जय हिंद।